अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेश। तो कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और कमेंट्स भी कर रहे होंगे। बच्चे बूढ़े सब देख भी रहे होंगे और बहुत सारा प्यार भी दे रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक न्यूज़ है जो कि अभी अभी मशहूर हुई है मुझे एक चैनल के थ्रू, तो मैंने सोचा यार इस पर भी रिएक्शन बनता है, क्योंकि बांग्लादेशी हमारे भाई जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, और हमारे पास अगर कोई अच्छा कॉन्टेंट ना हो जिस पर हम रिएक्शन ना दें तो वो माइंड कर जाते हैं। क्योंकि बीच में हमारा पहले भी कुछ दिनों में ना काफ़ी गैप आया और लोगों ने पूछा कि यार कहाँ आप भाई पे, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि डे मिस नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी ठंड भी है, तो थोड़ा सा जो है ना हमारा अपना भी मतलब दिल करता है छुट्टी करने को, तो कर नहीं पाते इस काम के अंदर। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है एक ऐसी न्यूज़, बांग्लादेश अपने MiG-29 को अपग्रेड करा रहा है और बहुत ही उसको हाई लेवल पे लेकर जा रहे हैं। तो फौरन, अब सब कुछ मैं तो नहीं बताऊंगा, हमने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ देखना, तो फौरन चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ एज यूजुअल काउंटडाउन से। 3, 2, 1, लेट्स गो। ओरिजिनल क्रिएटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में स्पॉट कर सकते हैं। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। জানিয়ে দিব আমাদের হাতে থাকা সর্বশেষ আপডেটগুলো। বিমানবাহিনী নতুন করে MiG-29 আপগ্রেড এবং ওভারহল করার জন্য নতুন করে টেন্ডার ছেড়েছে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর। 8 MiG-29 মধ্যে অলরেডি 4টি MiG-29 বেলারুশে আপগ্রেডের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আপগ্রেডের ফলে MiG-29 গুলো BM ভার্সনে আপগ্রেড করা হবে, যা বেলারুশের MiG-29 এর সমতুল্য। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর 4টি MiG-29 খুব শীঘ্রই বেলারুশ হতে আপগ্রেড হয়ে দেশে পৌঁছাবে। বাংলাদেশ বিমানবাহিনী নতুন করে MiG-29 আপগ্রেড, লাইফ বৃদ্ধি ও ওভারহলের জন্য টেন্ডার ছেড়েছে। এই টেন্ডারে বাকি 4টি MiG-29 আপগ্রেড করা হবে। MiG-29 গুলো আপগ্রেড করা হলে অনেক বেশি শক্তিশালী হবে, সাথে অ্যান্টিসিপ মিসাইল বহন করার সক্ষমতা পাবে। রাডারফুল গ্লাস, ককপিট সহ যাবতীয় আপগ্রেড থাকবে MiG-29। MiG-29 রাশিয়ায় তৈরি একটি চতুর্থ প্রজন্মের জঙ্গি বিমান। নির্ভরযোগ্য কার্যক্ষমতার জন্য এর ডাকনাম রাখা হয়েছে ফালক্রাম। 70 দশকের প্রথম দিকে MiQuan ডিজাইন ব্রো এই জঙ্গি বিমানের নকশা তৈরি করে, এবং 1983 খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া বিমান বাহিনীর বহরে এই বিমান যুক্ত করা হয়। MiG-29 একটি চতুর্থ জেনারেশনের সুপারসনিক জেট ফাইটার। এর প্রস্তুতকারক সোভিয়েত ইউনিয়ন। এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের তৈরি জেট ফাইটারের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত, এবং এটিকে সোভিয়েতদের স্টেট অফ আর্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি সকল প্রকার আবহাওয়ায় ব্যবহার উপযোগী। এটি ভূমিতে হামলার জন্য উপযোগী। দীর্ঘদিন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোর ফিয়ার ফ্যাক্টর ছিল এই MiG-29। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বহরে মোট 8টি MiG-29 আছে। বাংলাদেশ বিমানবাহিনী বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর আকাশ যুদ্ধ শাখা। বিমানবাহিনীর প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে বাংলাদেশের আকাশ সীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে বিমান সহায়তা প্রদান করাও বিমানবাহিনীর অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়াও বিমানবাহিনী দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন দুর্যোগে মানবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে, এবং বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সাথেও যুক্ত রয়েছে। तो फ्रेंड्स, वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। काफ़ी कुछ हमें न्यूज़ में पता चला कि जो बांग्लादेश है वो काफ़ी सीरियस है अपनी एयरफोर्स को लेकर। अब जो ये MiG-29 है इसको वो अपग्रेड कराने का टेंडर भी जारी कर चुका है, तो वो इसको हाईली लेवल पर मतलब कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट के पे जो है कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और काफ़ी इसके अंदर जो चीज़ें उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं। और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जो बांग्लादेश एयरफोर्स है वो MiG-29 और भी बाय करने का इरादा रखती है। तो इससे ये होगा कि बांग्लादेश एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो मज़ीद बढ़ेगी, और उसको पता है कि उसके इर्द गिर्द काफ़ी दुश्मन हैं जो कि वो अपनी जो अब डिफेंस है उस पर काफ़ी तवज्जो दे रहा है और बहुत तेज़ी से उस पर काम भी कर रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ इतनी सी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए और अपना एक इस पर रिएक्शन भी दिया जाए और एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि अगर कोई कंट्री अपने डिफेंस पे इतना काम करता है उससे उसको बेनिफिट्स इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा होते हैं। हम सोचते हैं कभी कभार कि यार हम अपने डिफेंस बजट में इतना पैसा वेस्ट करते हैं, वो वेस्ट नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं आपके काम आ रहा होता है। क्योंकि अगर आप तरक्की कर रहे होंगे तो आपके जो दुश्मन ममालिक होंगे उनकी आँख में आप मतलब कि उनको आप ज़रा पसंद नहीं आ रहे होंगे।
तो इसलिए अपना डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है अपनी इकॉनमी के साथ साथ। तो ये एक अच्छी अपडेट थी जो कि बांग्लादेश एयरफोर्स करने जा रही है, तो मैं तो उनको काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। और जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक टेंडर जारी किया जिसमें वो MiG-29 को अपग्रेड करने जा रही हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और मेरी बाकी वीडियोस को भी इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।